हमारे बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आए, आचार्य जी बुध और राहु की युति के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको शॉर्ट्स में बताता हूँ, जब भी जन्म कुंडली के 1, 5, 7, 8, 9 और 12वें भाव में राहु बैठे हो और साथ में बुध बैठे हो तो ये बहुत ही गंदा और नीच योग कहा जाता है। ऐसे योग के अंदर व्यक्ति को जन्म कुंडली के अंदर ना तो चंद्रमा के शुभ फल मिलते हैं न बृहस्पति का शुभ फल मिलता है। और यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध 3रे, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें भाव के अंदर राहु के साथ बैठ गए हो तो व्यक्ति को बृहस्पति के फल में और ज़्यादा अशुभता का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि ऐसा व्यक्ति नकारात्मक सोच के अंदर घिरा रहता है, अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से पूरी नहीं कर पाता, मानसिक सोच उसकी कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाती और अपने विचारों को कभी भी किसी के सामने ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। उपाय क्या करें? गंगा जी जा करके स्नान जरूर करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बुजुर्ग स्त्रियों का आशीर्वाद लेते रहें और मंदिर धर्म स्थान जा करके हल्दी चने की दाल आदि जरूर चढ़ाते रहें, तो देखेंगे इसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा।